अबे कहाँ भाग रहे बे हैं? अरे साहब हमका काहे पकड़े हैं आप? अभी से पकड़े हैं भैया, जेल में डालना बाकी है। कहाँ जेल माँ? हाँ हम कोई पति पत्नी ना है, हम है पुलिस वाले। तू घना केक मारू हो रहा है, लोगों के मुंह पे केक मारेगा, कमिश्नर साहब के मुंह पे केक मारेगा, चैलेंज देगा तू पुलिस ने? अरे मैडम जी कहाँ कह रहे हैं आप? अरे हमको मारना होगा तो हम रसगुल्ला मारूंगा, चमचम मारूंगा, अरे रबड़ी मारूंगा, मिठाई भंभाट है, अरे केक काहे मारूंगा हम? चाणा बन रहा है मुन्ना, हैं ये डब्बे में क्या है बे? अरे ई में तो हम आप लोगन के लिए जलेबी लाए हैं। हाय हाय। अच्छा 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 अच्छा, स्वीट बॉय, केक के डब्बे में जलेबी ना? हाँ ई देखिए, ई देखिए। अबे ये तो जलेबी, लेकिन एक मिनट, जब तक हम चेक करके चेक नहीं कर लेते कि जलेबी, हम मानने को तैयार नहीं कि जलेबी है। सर सर ये कैसी बकवास बात कर रहे हैं आप? मिशडला हो सकता है ना जलेबी की शक्ल में केक हो, आजकल होता है ना, डेकोरेट बहुत करते हैं लोग। सर देखिए, नो आई विल चेक। सर यू जस्ट हैव स्वीट टूथ सर। जलेबी है। अरे साहब वही तो हम कह रहे कि जलेबी है। जलेबी लेके के डोल रहा है बे रात को सड़क पे? बात यह है, जो हम आपका जलेबी खिलाए रहे ना, उनका सामान 3 दिन पुराना था, इसलिए खमीर उठ गया। और जब आप हमारे सामने केक का तारीफ किए ना, तो हमसे रहा नहीं गया मैडम, इसलिए हम आपके लिए ताजा ताजा जलेबी बना के लाए हैं, और वो भी केक के डब्बा में डाल के लाए हैं। और आप कह रहे थे ना कि आप दोनों लोग सिनेमा देखने जा रहे हो, तो हमको पक्का पता था कि आप दोनों लोग यही मिलेंगे, और हम आ ही गए। चल ठीक है निकल, तू निकल निकल, चल निकल, निकल। जी मैडम, और मिठाई भंभाट है। ओके ओके। इसका मतलब वो केक मारू कोई और है। वेल सर, और पिलाऊं वाटर इज द, सर्दी में अच्छे लगते हैं टमाटर इज द। शट अप। अरे यह घबराहट के मारे जान निकल रही है और तुझे टमाटर की पड़ी है। ये हेलमेट क्यों पहना है? हेलमेट क्यों पहना है तूने? वेल सर, केक मारने वाले का नहीं भरोसा इज द, उसने कब मेरे मुंह पे केक परोसा इज द। अरे पानी और पिलाओ। सर मैं क्या कह रही हूँ, आप बेकार में चिंतित हो रहे हैं, कुछ नहीं होगा। क्या कह रही हैं आप मिस चौटाला? जो आदमी सरेआम चौकी के अंदर केक फेंक के मार सकता है, जब वो मुझे खुले में देखेगा तो क्या मुझे छोड़ देगा वो? ये बात तो ठीक है सर, हो तो सकता है, आप करेक्ट कह रहे हैं। अरे सर आप इन्हें और डरा ले रहे हैं। हम डरा नहीं रहे, मैं छोड़ा खुद डर रहे। कहीं वो केक मारने वाले की बात सच निकली और उनके मुंह पे केक मार दिया तो क्या होगा इनका? क्यों हंस रहे हो तुम? नहीं सर, मुझे तो बस ये सोच के हंसी आ रही है सर कि जब भचाक करके केक आपके फेस पे लगेगा तो आप कैसे दिखेंगे सर? आप ऐसे क्यों हंस रहे हैं सर? अरे मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि जब मैं तुम्हें पुलिस की नौकरी से निकाल दूंगा और तुम चौराहे पे खड़ा होके कटोरा हाथ में पकड़ के भीख मांग रहे होगे तो तुम्हें कैसा लगेगा? अब सर आई एम सॉरी सर, मैं तो मजाक कर रहा था सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सर यो बताइए, आपकी ये जो सभा है यो कहाँ है सर? कल मेरी जनसभा है तिमरकन टोला में, वहां मैं एक स्पीच देने वाला हूँ कि हमारी पुलिस फोर्स कितनी मुस्तैद है, और जब मेरे मुंह पे आके केक पड़ेगा तो जनता अपने आप समझ जाएगी कि पुलिस कितनी मुस्तैद है। सर तिमरकन टोला में पूरा पुलिस बंदोबस्त होगा, हर एक व्यक्ति पर पुलिस की नजर होगी, आपके मुंह पर केक नहीं पड़ेगा सर, यो हमारी जिम्मेदारी है, कुछ नहीं होगा, ये हमारा वादा है। थैंक यू वेरी मच।
और तू हेलमेट उतार वरना मैं तो चलिए बुलाते हैं कमिश्नर साहब को, तालियां। सर आपको बुला रहे हैं। सर आपको बुलाया सर। सर कम सुनते हैं सर, जाइए सर, जाइए ना सर। हाय हाय। अरे उठाओ उठाओ उसको, उनको उठाओ। अरे सर जाइए। अरे दादाजी ये हेलमेट उतार के खुजली करो ना। सॉरी दोस्तों। ये करंट मार रहा है। आज की सभा हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ने इसलिए बुलाई है कि हमारी जनता को पता चल सके कि पुलिस कितनी मुस्तैद है और कितनी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। और आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि इस साल हमारे शहर में क्राइम रेट बहुत ही कम हुआ है। बोर कर रहे। रुक जाओ। सर आप यहाँ मोमबत्ती बुझा दूंगा। हम यहाँ क्यों नहीं आएंगे? हैं? तुम आसो उठकर क्यों आ गए बे? यहाँ अकेले में? सर वहाँ पे कमिश्नर साहब का भाषण जो है ना वो बहुत बोर कर रहा था। और ऊपर से क्या है कि हमें बचपन से पान खाने की आदत है और वहाँ पे हमारी बीवी बैठी है किरण, वो हमें पान खाने नहीं देती, तो हम यहाँ पे चले आए पान खाने के लिए। आप खाओगे सर? मोमबत्ती बुझा दूंगा। फू। अरे पान तो हम खाते रहते, हमेशा खाते। खाओगे? नहीं खा लिया हम। अच्छा अच्छा जाओ, तुम जाओ तुम जाओ। अच्छा थैंक यू। और पान खाते रहना चाहिए ना। थैंक यू थैंक यू। पान खाने से काहे रोकती इसकी बीवी? इसका मतलब है ये वो केक मारू नहीं है। और पिछले कुछ महीनों में जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ने किया है उसकी कुछ झलकियां मैं आपको बताना चाहता हूं। हाँ, पिछले महीने चिपुटिया गंज में चोरी हुई थी जिसे पुलिस ने 24 घंटों में सॉल्व कर दिया। 24 घंटे में। हेलो। हाँ बीवी टेंशन में। हाँ हाँ शर्मा जी के घर कल 20 केक भिजवाने हैं, तैयार करके रखना। हाँ बी, अरे अंदर बहुत शोर था इसलिए फोन नहीं उठाया, बाहर आके कर रहा हूँ ना। बीवी टेंशन में। हाँ ठीक है ओके, तैयार रखना लेकिन। ओके ओके बाय। हाँ चलो। फोन करने आया था, मतलब ये वो नहीं है? हाँ तिमारकन टोला में 2 महीने पहले बैंक रॉबरी होने वाली थी जिसकी खबर पहले से ही पुलिस को मिल चुकी और वो रॉबरी हमने नहीं होने दी। हेलो, मैंने कहा ना कि मैं अभी कमिश्नर साहब की स्पीच सुन रहा हूं, ठंडे की बात कल करूंगा। केक अगले से पता नहीं कहां कहां से लोग डिस्टर्ब करने आ जाते हैं। ताक टिकड़ ताक तो पापा। वेल ये तो है बंदा नेक इज दा, इसने नहीं मारा केक इज दा। चालू है ना? और तो और मेरी जीप
यानी कि कमिश्नर की जेब आज से पूरा 6 महीने पहले किसी ने काटी और 6 महीने के अंदर अंदर पुलिस ने वो केस पूरा सॉल्व करके वो मेरा पर्स मुझे वापस लौटा दिया। सर सर ठीक तो है? अबे सर क्या हुआ सर को? सर अरे सर ठीक तो है ना? किसने मारा केक सर आपको? किसने मारा केक? अरे मुझे केक किसी ने नहीं मारा। अरे तो सर आप चिल्ला क्यों रहते हैं इतने जोर जोर से? ये कुर्सी को लेके आया। Well, that was me is the होया की is the। अरे इसमें इतने इतने लंबे कीले हैं। मैं बैठा तो। आप तो ऐसे चिल्लाए सर जैसे कोई केक आपके चेहरे पर फेंक के चला गया हो। अरे जब कीड़े चुभेंगे तो चीख निकलेगी ना। निकलेगी सर निकलेगी, चीख निकलेगी ना। कीड़े चुभेंगे तो चीख निकलेगी, निकलेगी सर निकलेगी। सॉरी सर। अब सर आई एम वेरी सॉरी कि आपको कीड़े चुभ गए, लेकिन उस बात की खुशी है सर कि आपने सभा को संबोधित किया और किसी ने आपके चेहरे पर सर केक नहीं मारा। अब सर आई एम वेरी सॉरी कि आपको कीड़े चुभ गए, लेकिन उस बात की खुशी है सर कि आपने सभा को संबोधित किया और किसी ने आपके चेहरे पर सर केक नहीं मारा। सोचे अगर केक मार लेता तो कितनी बदनामी होती ना सर, तो खुशी की बात तो है। सर मैडम ने आपसे कहा था ना सर कि आप एकदम निश्चिंत रहिए। अरे पूरा पुलिस डिपार्टमेंट आपके साथ है सर, ये बंदोबस्त देखिए सर आप। सर हिम्मत नहीं हुई सर उस केक फेंकने वाले की कि आपके चेहरे पर केक फेंक के चला जाए, देखा सर आपने? वो तो ठीक है लेकिन वो चंद्रमुखी जी खुद का है। कुर्सी बदल देते हैं सर, बदल देते हैं। अरेस्ट सर। मैं बहुत खुश हूं आप लोगों के काम से और सरकार की तरफ से आप लोगों को इनाम दिया जाएगा। थैंक यू सो मच सर। लेकिन सर अब तक वो पता नहीं चल पाया ना कि वो केक मारू कौन था जिसने आपको धमकी दी कि आपके चेहरे पर केक मारेगा। वेल दिस इज वेरी सस्पेंड इज द सस्पेंस या दिस वन। मैशोडल आप इसे लेकर क्यों आई है? क्योंकि सर यो ही है वो केक मारू। इसने जानबूझकर यहाँ चौकी में आकर FIR लिखाई कि कोई इसके मुंह पे केक मार रहा है ताकि पूरा ध्यान जो है इस पे आकर्षित हो जाए, इसे हम विक्टिम समझें। फिर इसने एक हुआ सा क्रिएट कर दिया कि भैया पूरे शहर में घूम रहा है केक मारू साइको आदमी जो लोगों के मुंह पे केक मार रहा है। फिर जो है इसने पुलिस को धमकी दी, पुलिस को चैलेंज फेंका कि कमिश्नर साहब के मुंह पे केक मारेगा। ये बोल ही कुछ अपने मुंह से एक वाले जुर्म मैं ही बस। मैं चाहता था कि मैं पूरी पुलिस फोर्स को काम पे लगा दूं, इसलिए मैंने कमिश्नर साहब को केक मारने की धमकी दी ताकि सब पुलिस वाले वहां पर लग जाएं और मैं मौका पाके दगड़ू ज्वेलर्स के यहाँ ताला तोड़ के सारा सोना
लूट डालूं। पर अनफॉर्चुनेटली भारियू वहां मैं पहुंच गई। लेकिन मिस चौटाला, आपको शक कैसे हुआ कि ये आपको वहीं मिलेगा? सर हम पुलिस वालों की सिक्स सेंस घनी तेज हो गए। हाँ, मन ने वो लगा कि सारी जो है शहर का पुलिस डिपार्टमेंट आपकी सुरक्षा में, आपके जो है सभा के चक्कर में जो है बीजी हो रहा है, तो ऐसे में शहर हो रहा है लावारिस, तो कहीं कोई वारदात कोई कांड ऐसा ना घट जाए जिसका बाद में जो है हमें टेंशन आए। तो मैंने कहा मैं जरा गश्त के लिए निकलती हूँ। अब गश्त के लिए एक पुलिस अफसर कहाँ जाएगा? ऐसी जगह जाएगा जहाँ सुनार वगैरह की दुकानें हो, ATM हो, बैंक हो। और वहां मन ने मिल गई हो भाई साहब, सेंध लगा रहे थे सुनार की दुकान में। मैं हूँ हनी, थोड़ी सी फनी। ये मैं क्या सुन रही हूँ मैडम, आपने मुझे बुलाया? मैडम सही सुन रही हो, ये जो है ना तुम्हारा ये कचरा, ये वो केक मारो आदमी है। ओए माँ। बड़ी फिराक में था ये, बड़ा कांड करने के चक्कर में था, पकड़ा गया, अब जेल में मिलना जाकर इसे। देखा बेटी, मैं कह रहा था ना, अरे ये बड़ा बदमाश लड़का है। और ये बदमाश है निकला तम तमा के। एक मिनट डैडी। हाँ? आप इधर आइए। हाँ, इधर आओ। कचरा, तुमने मेरे साथ धोखा किया। मैं तुम्हें हीरो समझती थी और तुम विलन निकले। ठीक है, जेल जाते जाते एक इनाम ले ही जाओ। लाओ दो इनाम, कुछ तो मिले। बेटी एक इधर भी लगा दे। ले ले ले। आई एम प्राउड ऑफ यू मिस चौटाला, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। मैडम 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 सर सर मैडम, ये केक वाला केस है इसलिए मैं भी एक केक लेकर आया हूँ, लेकिन हम ये केक किसी के चेहरे पे मारेंगे या फेंकेंगे नहीं, बल्कि सब मिलके इस केक को हम खाएंगे। क्यों दोस्तों, तो हो जाए। भाई साहब, पिछले डेढ़ घंटे से मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आपकी वेट कर रहा हूँ, खत्म हो गया आपका? अरे मुझे FIR लिखवानी है आपकी दुकान में। क्या, मेरी दुकान में? लेकिन मेरी तो कोई दुकान ही नहीं है यार। अरे गोपी, तूने तो कोई दुकान तो नहीं खोल ली? नॉट ए स्टाल इज द, सर्दियों में ओढ़ते हैं शाल इज द। देखो यार, पहली बात यह है कि हमारी कोई दुकान तो है नहीं, और दूसरी बात FIR दुकान में नहीं चौकी में लिखाई जाती है। तो ये चौकी ही है ना, तो आप लिखे FIR आपकी दुकान में? फिर से दुकान में। अरे सर, ये आपकी दुकान है ना, ये मेरी तकिया कलाम है आपकी दुकान में। मुझे ना मेरे पड़ोसी के खिलाफ FIR लिखवानी है, जो बिना त्योहार के त्योहार मनाता है आपकी दुकान में। Well, what is the name is the, I like cricket का game is the, पुनीत जुनेजा। तो देखो पुनीत जुनेजा तुम्हारा जो पड़ोसी है। एक्सक्यूज मी सर, ये पुनीत जुनेजा है ना, वो मेरा पड़ोसी है, उसका नाम है पुनीत जुनेजा आपकी दुकान में। अरे तो जब तुमसे तुम्हारा नाम पूछ रहे हैं तो अपना नाम बताओ ना यार, पड़ोसी का नाम क्यों बता रहे हो? तो सीधी लैंग्वेज में पूछिए ना सर आप, कि मेरा नाम क्या है, माने कि आपका नाम क्या है। तो मेरा नाम बबलू है आपकी दुकान में। मुझे है ना ये मेरे पड़ोसी के खिलाफ FIR लिखवानी है, जिसकी वजह से मैं दुखी हो गया हूँ, परेशान हो गया हूँ आपकी दुकान में। और पड़ोसन से बताओ ना यार, शर्माओ ना, देखो यार ये गलत बात है, बताओ ना है। गोपी अब क्या बताऊं दादाजी, अब मैंने है अच्छी है, खूबसूरत है, बेटर है, मस्त है, उला ला है।
अब जाने दीजिए उसके पति के खिलाफ, यानी कि मेरे पड़ोसी के खिलाफ, यानी कि पुनीत जुनेजा के खिलाफ मुझे एफआईआर लिखवानी है। परेशान कर दिया मुझे उसने। पता है आपको, उसने पिछले हफ्ते दशहरा मनाया आपकी दुकान में। Well, पिछले हफ्ते तो था नहीं दशहरा इज्दा, मेरी बीवी रखती है मुझ पे पहरा इज्दा। मैं वही तो कह रहा हूँ दादाजी। क्या कि इसकी बीवी इस पे पहरा रखती है? मैं ये कह रहा हूँ कि वो मेरे पड़ोसी ने पिछले हफ्ते दशहरा मनाया, जबकि दशहरा था ही नहीं तभी। मेरे घर के सामने उसने रावण का पुतला जलाया। लोग ये समझ बैठे कि मैंने कुछ कांड किया होगा, इसलिए मेरा पुतला जलाया जा रहा है। अरे पूरे मोहल्ले में मेरी बदनामी होगी, इंसल्ट हो गया मेरा आपकी दुकान में। तो बड़ा अजीब आदमी है यार, मतलब दशहरा है ही नहीं और उसने रावण भी जला दिया। अरे ये तो कुछ भी नहीं है सर, पिछले महीने 3 तारीख थी। 3 तारीख थी ना? अरे तो हर महीने आती है ना यार। ओ सॉरी, हाँ तो वो 3 तारीख को उसने ईद मनाई। बोलो, पूरे मोहल्ले में ये सेवैयां बंटवाई उसने, मेरे घर पे भी आया, मुझे भी कहने लगा, गले लगा के ईद मुबारक। फिर बाद में मेरी बीवी को भी गले लगाया और कहने लगा 2 बार, ईद मुबारक ईद मुबारक। मेरी साली को गले लगाया, ईद मुबारक ईद मुबारक आपकी दुकान में। Well, ये मामला है टेढ़ा इज्दा, तुम्हारा पड़ोसी लगता है थोड़ा एड़ा इज्दा। हा? दादाजी एड़ा नहीं, सनकी है, सनकी पागल है, एड़े पंथी की हद है, उसे प्लीज मुझे बचाओ। बिना त्योहार के त्योहार मनाते। अरे कल रात तो उसने हद ही कर दी आपकी दुकान में। क्यों, कल रात क्या किया उसने? तुम्हारे साथ वैलेंटाइन डे मना लिया? नहीं, कल रात को उसने होली जलाई, और होली जलाने के लिए उसने क्या किया पता है आपको आपकी दुकान में? What is the? उसने मेरे घर का मेन दरवाजा जो होता है ना, उसे उखाड़ के जला दिया लकड़ी की जगह आपकी दुकान में। होली के लिए घर का गेट जला दिया? मेन दरवाजा मेरे घर का। यार ये आदमी तो बड़ा ही अजीब है यार, मतलब ये ठीक नहीं हो रहा है। तुम एक काम करो यार, तुम कल सुबह 10 बजे आ जाओ, मैडम भी यहाँ पर होंगी और हम तुम्हारे पड़ोसी को भी बुला के रखेंगे, बस उसके बाद मैडम के सामने होगी सुनवाई। ओके चलो, हो गया बस, और क्या। 10 बजे आ जाना सुबह, अब जाओ। ओके थैंक यू, लेकिन प्लीज। शाबाश, आइए आइए। Follow him. दादाजी क्या कर रहे हो आप? टोटल बैलेंस खराब है। क्या कह रहा था मैं? या वेल मॉम, शी इज पड़ोसी इज द एंड ही इज वाइफ इज द एंड शी इज बबलू इज द। यार क्या लगा रखा है तने? हम सुन रहे हैं कि भैया जिस दिन त्योहार नहीं होता है उसी दिन तू त्योहार मनावे, बेदिन सेलिब्रेशन चल रही है थारी, गलत दिनों पे जो है बिल्कुल त्योहार मन रहा है, दुनिया अपने घर में बैठी है, तू बिल्कुल डिस्टर्ब कर रहा है, इनकन्वीनियंस कोज कर रहा है तू मोहल्ले वालों को, पड़ोसियों को अपनी इस बेवकूफपंती की हरकत की वजह से। बोलने से कुछ भी नहीं होगा मैडम, एक कान के नीचे रख के दीजिए। कड़ाई गरम है यार, तू इसकी बीवी हो रही, दुश्मन हो रही है, इसको सुतवाने के लिए बोल लिए। बोलू नहीं तो और क्या करूं? 10 दिन पहले मुझे करवा चौथ का उपवास रखवा दिया कि आज करवा चौथ है, कड़ाई गरम है, और सुबह उठ के मुझे क्या बोले? क्या बोले? आई लव यू। ये लव यू बोलेंगे? शक्ल दिख रही है इनकी लव यू बोलने जैसी, और मेरी किस्मत दिख रही है? कड़ाई गरम है। Well, if you not mind is the, I am very kind is the, you know cry is the, can I try is the? दादाजी मेरा दिमाग मत खराब करो आप। एक वो निकला है लकी ड्रा में पर्ची थारे नाम की, फॉर फ्री विजिट टू नर्कलोक। कैरी ऑन। वैसे आप कुछ बता रही थी हाँ के परसों ये कुछ बोले, क्या बोले? बता रही हूँ मैडम, हुआ ये, मैं बहुत गहरी नींद में सो रही थी और इन्होंने मुझे उठा के बोला उठो उठो, होली है, गुजिया बनाओ, शक्कर पारे बनाओ, चक्की बनाओ। मैडम सही बताओ ना, गैस पे से आज तक मेरी गरम गरम कढ़ाई नहीं उतरी है, रोज त्योहार बन रहे इनके।
पकवान बन रहे हैं। कढ़ाई गरम है। यार तू भी कुछ फूट ले अपनी सफाई में, खड़ा है बिल्कुल ठूंठ की तरह। क्या बोलू मैडम जी। मैडम दरअसल देखिए बात यह है मैडम कि मैडम मुझे शौक है त्योहार मनाने का। मैडम मैडम त्योहार मतलब खुशियाँ, और खुशियाँ दिन और तारीख देख के थोड़ी मनाई जाती है, क्योंकि जिंदगी त्योहार है। और मैडम खुशियों को तो हम कभी भी मना सकते हैं, इसलिए जब मेरा मन आता है मैं करवा चौथ मना लेता हूँ, जब मेरा मन आता है मैं दशहरा मना लेता हूँ, जब मेरा मन आता है मैं दिवाली मना लेता हूँ, क्योंकि जिंदगी त्योहार है। यार यो जो थारी भावना है ना, आई अंडरस्टैंड, मैं समझ सके हूँ, लेकिन ऐसे काम जो है पागल करते हैं। जो नॉर्मल लोग होते हैं वो नॉर्मल दिनों पे, मतलब उसी दिन पे जिस दिन त्योहार है उसी दिन मनाते हैं त्योहार। जैसे कि 25 दिसंबर को मनाया जावे एक्समस, ठीक है, 1 जनवरी को न्यू ईयर। तो जिस दिन जो त्योहार हो बे उस दिन मनाओ, खूब सेलिब्रेट करो, आपस में मिलो बढ़िया तरीके से। ये नहीं कि अपनी इस पागलपंती की हरकत की वजह से अपने पड़ोसियों ने और अपनी बीवी ने परेशान करो। मतलब ये क्या तरीका हुआ यार, इनके घर में एक लकड़ी का गेट है तो उस गेट की तुमने होली जला दी। अरे क्या करता आप बताइए, मैं क्या करता। अरे पेड़ काटना तो कानूनन जुर्म है ना, और मुझे होली मनानी थी। अब होली होली जलाए बिना मना नहीं सकते, होली जलाने के लिए चाहिए थी लकड़ी, और इनका गेट था लकड़ी का, इसलिए इनकी लकड़ियां जला के सिर्फ मैंने होली का त्योहार ही नहीं मनाया, बल्कि होली के त्योहार में इनको भी शामिल कर लिया, क्योंकि जिंदगी त्योहार है। त्योहार मनाने के लिए किसी के घर का दरवाजा जला देना होता है क्या आपकी दुकान में? दुकान ए मैडम, आप इनसे पूछिए कि जब इनके घर में गुजिया से भरी प्लेट लेकर गया था तब तो इन्होंने कुछ नहीं कहा, जिंदगी त्योहार है, तब तो इन्होंने मुझे होली की मुबारकबाद भी दी, और गुजिया बड़े चस्के ले लेके खा रहे थे, और उसके साथ इन्होंने खाए नमकीन और मीठे, वो कुरमुरे यानी नमकीन पारे और शक्कर पारे, खा गए सारे के सारे, बहुत सारे डकार भी मारे, और अब यहाँ आके मेरे खिलाफ FIR लिखवा रहे, जिंदगी त्योहार है। FIR लिखाने आ गए और FIR लिखा दिए। और ये जो FIR लिख ली गई है तो केस पुलिस के पास है, ये पड़ोसियों में तो रहा नहीं खेल, समझे, और पुलिस लेगी एक्शन। बेटा थारी पहली सजा यो है कि इसका जो है गेट बनवा, या तो पैसे दे उसके। ज्यादा ही मत कर, मैं दांत तोड़ के बिखेर दूंगी या सजा दूंगी, समझ रहा है तू? और मैडम इनको ये भी समझा दीजिए कि बिना त्योहार के कोई त्योहार ना मनाए, क्योंकि आज रात को इनको दिवाली मनाने का शौक चढ़ रहा है। कढ़ाई गरम है। अबे दिवाली को अभी 6 महीने, तैने अगर दिवाली मना ली ना मैं अनार ठूस दूंगी मुंह में। मैडम एक काम करते ना, मैडम मैं और गोपी इनके घर चले जाते हैं, और फिर हम देखते हैं कि ये दिवाली कैसे मनाते हैं। या मॉम, हम नहीं मनाने देंगे इसे दिवाली इस दा, ना परेशान होंगे पड़ोसी ना ये घरवाली इस दा। जाओ जाओ इसके घर जाओ, तुम दोनों से भी एक ब्रेक मिलेगा, चलो जाओ। जिंदगी त्योहार है। हाँ हाँ चल चल, त्योहार वाले इनको लेके जा अपने घर। इतना सारा नाश्ता बनाया, चलो। अरे नाश्ता बनाया तो चलो ना, कल न्यू ईयर भी बनाएंगे। अरे सुनिए अपना, शक्कर पा रहे हैं। क्या लग रहा है मैडम आपको? लग रहा वगैरह कुछ नहीं है, पैसे ले उससे ज्यादा यहाँ लग रहा क्या आपको, यहाँ CID नहीं बैठी हूँ मैं, चल। अरे ये भी आ गए, अब लग रही है कि दिवाली है। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दीपावली दादाजी। सेम टू यू दा, तूने पहनी है शर्ट न्यू इज दा। वैसे दिवाली की शुभकामनाएं आपको और आपको भी भाभी जी। लेकिन बस ये शुभकामनाओं से क्या होगा, मतलब जो दीपावली के लिए जो पकवान कढ़ाई में पकाए हैं जरा वो भी खिलाइए। हे भगवान, कढ़ाई गरम है, आप लोग यहाँ इन्हें रोकने आए हैं कि पकवान टूसने? अरे अब दिवाली मना रहे हैं और पकवान बना रहे हैं तो खाना तो बनता है ना। हाँ हाँ, लगता है सालों से भूखे हो। अरे ये ऐसे बोलते हैं क्या मेहमानों से? अरे जब पकवान बनाए हैं तो ले आओ ना, खाएंगे, दिवाली मनाएंगे, जिंदगी त्योहार है।
जाओ जाओ, तब तक हम लोग दिए जलाते और ये पटाखे बजाते हैं। अरे क्यों नहीं, क्यों नहीं, हम चलाएंगे पटाखा हिस्सा, चोले में गब्बर ने डाला था डाका हिस्सा। अच्छा मुझे भी याद है, ये याद रखता हूँ। एक मिनट, आराम से दिए जलाओ, हैप्पी दिवाली मना। मैं तब तक वहां जाके एक बम फोड़ के आता हूँ। आप लोग रुको, दिवाली है, बम फोड़ो। अरे किधर, ये ऊपर ऊपर, हेलो, ऐसा ला ला ला, दिवाली, हैप्पी दिवाली। ये लगा 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 रे। अरे जला दिया बम, देखो अभी फूटेगा। अरे अबे, अरे अरे क्या भाई साहब, और ये सत्यानाश, हैप्पी दिवाली। अरे यार ठीक है, हेलो गोपी, गोपी गुलगुले, अबे मैडम, मैडम मैडम मैडम, आपकी है, आपकी दुकान में योगे हो गया। अरे मैडम, जो नहीं होना था वही हुआ। कल रात मेरे पड़ोसी ने दिवाली का त्योहार मनाया, जम के खूब फटाके छोड़े मैडम, और एक बम तो मेरे सर पे आके फटा आपकी दुकान में। अच्छा, और यो बात तू अब बता रहा है आके? अच्छा कब बताऊं मैडम, कल रात तो मैं घबराहट के मारे बेहोश हो गया था, अब सुबह होश में आया और भागा दौड़ा यहीं पे चला आया आपकी दुकान में। मैडम जरा पंचर हो गया था रास्ते में, इसलिए पुनीत जुनेजा के यहाँ कल भेजा था ना तुम दोनों ने, यो देखने के लिए कि वो दिवाली ना मना पाए। फिर कैसे पटाखे छोड़ लिए उसने, मना ली दिवाली। तुम लोग वहां कटहल छील रहे थे, मेहंदी लगा रहे थे बैठ के बालों में अपने। Well, mom, I will, he, she, do you know, well, so, yeah. मैडम मैं बताता हूँ, एक्चुअली क्या है कि आपके दोनों पुलिस वाले ना वहां पे जमकर दिवाली मना रहे थे, फटाके छोड़ रहे थे, मिठाई खा रहे थे और दिए जला रहे थे आपकी दुकान में। किसी काम के नहीं है दोनों नलायक। Well, mom, पटाके देख के नहीं पाए हम अपने आप को रोक इसदा, और आप रही हैं हमें ठोक इसदा। ठोका अभी कहाँ है, ठोकूंगी तो ईब नहीं। ठोका अभी कहाँ है, ठोकूंगी तो ईब नहीं। याद कर लो अपनी अपनी बीवियों और अपनी अपनी आइटमों ने। आ रहा है मेरे दिमाग में आपका है, बहुत ही चिंपू चिटकोला पिंटू पिटकोला एडिया आ रहा है। तो दुनिया से पिंटू हो लेगा फिर देगा आइडिया। आप तो जरा कोने में तो आइए, सुनिए। वेल गुलगुले, यू आर प्लास्टिक। फैंटास्टिक, या दिस वन। उस पुनीत जुनेजा को पता लगेगा कि त्योहार त्योहार वाले दिन ही मनाते हैं। पता है तुमको, बताओ ये अच्छा हो गया, कल लोहड़ी है तो हमने शॉपिंग आज ही कर ली, जिंदगी त्योहार है। अरे कल कोई लोहड़ी नहीं है, जबरदस्ती लोहड़ी मना रहे हो, इतनी सारी शॉपिंग करा दी, कढ़ाई गर्म है। अरे तुमको तुम समझती नहीं, देखो कल लोहड़ी है तो शॉपिंग करना बड़ा जरूरी था, कल यही तो नए कपड़े पहनेंगे ना। इसमें चूहे मारने की दवा डाली थी मैंने। गोपी तू भी ना, अब चल आजा। जिंदगी त्योहार है। अरे दीजिए लड्डू, खाइए आप लड्डू खाइए। हाँ हाँ, लेकिन क्यों, आप लोग कौन है? अरे यार हम भी आपकी तरह त्योहार मनाने का शौक रखते हैं, वी लव फेस्टिवल्स। लड्डू खाओ, लड्डू खाओ। अच्छा आज हम भी त्योहार मना रहे हैं, आज मकर संक्रांति है, ये देखो हम पतंग भी लेके आए हैं। वो सब ठीक है, लड्डू खाओ यार, और लो और लो। हाँ हाँ ये दो तीन। सुनिए आप लोग को हैप्पी मकर संक्रांति, जिंदगी त्योहार है।
भाभी जी हैप्पी मकर संक्रांति, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, आई 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 आई, ओके थैंक यू, ओके बाय, नो तुम देखा द फीवर इज कैचिंग अप, चले हम चल जा, मैं क्या कह रहा था घर जाके पकवान भी तो बनाने हैं, जिंदगी त्योहार है। हाँ, मैं तो भाई हूँ ना घर की, पकवान ही बनाती रहूंगी। अरे तुम आया क्या हुआ? अरे डारे मेरे पेट में बहुत दर्द है, मुझे कहीं डॉक्टर को दिखा दो या हॉस्पिटल ले चलो। चलो अरे बाहर इतने चलो। अरे इसे तो एक मिनट में असर हो गया, तेरे पेट में क्या चूहे दौड़ रहे हैं जो दवा खा के मर गए? वेल ऐसा है यार गोपी तू। अरे जल्दी से अंदर ले चलो जल्दी। अरे यार तुम कहाँ घुसे जा रहे हो? मैं लीचड़ हूँ। अरे हॉस्पिटल में जा रहे हैं, पेट में बहुत दर्द है, हटी है। अब यह हॉस्पिटल बंद है, मैं लीचड़ हूँ। अरे ले, 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 लीचड़ भाई साहब देखिए क्यों बंद है आज हॉस्पिटल है। अरे क्यों बंद है मतलब बंद है। अरे अरे अटक साहब इन्हें बताओ भाई क्या हो गया भाई, कौन है लोग चिड़िया चुके खेत? अब डॉक्टर साहब बताओ यार इनको। अरे डॉक्टर साहब मेरे पति के पेट में दर्द है, इनको आप एडमिट कर लीजिए, कड़ाई गरम है। अरे गरम है तो ठंडी कर लो, आज हॉस्पिटल की छुट्टी है, चिड़िया चुग गई खेत। अरे एक मिनट डॉक्टर साहब क्या बात कर रहे हैं, क्यों है आज छुट्टी हॉस्पिटल में? अरे आपको पता नहीं है क्या आज जो है रक्षाबंधन है, है? तो सारे डॉक्टर लोग अपनी अपनी बहनों से राखी बंधवाने गए हैं, चिड़िया चुग गई खेत। क्या अच्छा लेकिन आप भी तो डॉक्टर है ना, आप ही मेरा इलाज कर दीजिए, बहुत दर्द है पेट में, जिंदगी त्योहार है। हाँ भाई मेरी भी तो छोटी बहन है तो उससे मुझे राखी बंधवानी है, चिड़िया चुग गई खेत। अरे एक मिनट, अरे ऐसे ऐसे कैसे आप चले जाएंगे डॉक्टर साहब, आप क्या बकवास कर रहे हैं? आज रक्षाबंधन का है मुझे पता है, पर रक्षाबंधन को बीते बहुत दिन हो गए, आप किसी भी दिन इस तरह से कैसे त्योहार मना सकते हैं, जिंदगी त्योहार है। क्यों नहीं क्यों ना मना सकते हैं ये लोग त्योहार है? अबे जब तू बेमतलब के दिनों में किसी भी अपनी पसंद के दिन में कोई भी त्योहार मना ले वे, जब थारा जी मर्जी चाहे तू होली दिवाली दशहरा मना ले वे, तो भैया यो लो आज के दिन रक्षाबंधन क्यों ना मना रहे। अरे लेकिन पेट में अब समझ में आ रहा है, जबरदस्ती किसी भी दिन कोई भी त्योहार मनाने से सामने वाले को कितनी तकलीफ होती है। Well, सब मना रहे हैं त्योहार इसका, तुम्हारे बिना इलाज के हो रहा है बुरा हाल इसका। दादाजी आप पता चला पुनीत तुझे कि तेरी इस आदत की वजह से मुझे कितने प्रॉब्लम हो रहे थे? आपकी दुकान में हाँ पता चल गया। बस बस मैं आपको बताऊं मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, आज के बाद मैं त्योहार वाले दिन ही त्योहार बनाऊंगा, बस उसके इधर उधर नहीं कभी नहीं बनाऊंगा। लेकिन इस वक्त पहले आप मेरे पेट की दर्द से मुझे छुटकारा दिलाइए प्लीज, बहुत दर्द है। आ इधर आ चलो भाई सर को जाओ भाई जाओ बहुत ला भाई पिंक खोल मुंह बेटर। थैंक यू मैडम, आपकी वजह से मेरे पति सुधर गए, वरना मेरी कढ़ाई गर्म ही रह जाती। अरे वाह, अरे मैडम आपके पास तो जादू है, मेरे पेट का दर्द एकदम ठीक हो गया। ये तो बहुत खुशी की बात है, और इसी खुशी में मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना आज रात को क्रिसमस मनाया जाए। सॉरी आइए एक्सक्यूज मी बताइए ना। अरे पहले आप जरा पूछिए ना। कौन हो तुम दोनों? मैडम हम दोनों स्टूडेंट हैं, बताइए ना। अरे स्टूडेंट हो तो यहाँ आके मेंढक पे प्रैक्टिकल करने आए हो या गाय पे निबंध लिखाने? मैडम हमारी कॉलेज में गड़बड़ चल रही है बताइए ना। ओ कैसी गड़बड़? गर्ल्स हॉस्टल में मजनू घुसाया है क्या? मेरा मतलब है बॉयज हॉस्टल में लव लेटर पकड़ा गया है क्या? Well, who the you the are is the, क्या ये है तुम्हारा रिश्तेदार इज़दा?
रिश्ता हुआ नहीं है लेकिन हो जाएगा, मेरा दिल इसकी आंखों में खो जाएगा। अबे रोमियो ज्यादा शायरी मत कर वरना एक ही रैपटे में यहीं सो जाएगा। या इससे पहले ले ले मम्मी जी कोई एक्शन इज़दा, तुम दोनों दे दो अपना अपना इंट्रोडक्शन इज़दा। मैडम मैं हूँ सिंपल कौर सीधी, हम दोनों अतर्रा कॉलेज में पढ़ते हैं। और मैं हूँ भोला भटनागर, मैं भी वहीं पढ़ता हूँ। डॉलर महंगा हो गया। देखो यार जो भी बात है, दिन है कि रात है, सर्दी है या बरसात है, खुल के मैडम के सामने बोल डालो, बंद जुल्फों को खोल डालो, वरना एक बार हमारी मैडम के दिमाग का पनीर मटर के साथ मिल गया ना तो हमारी मैडम एक नंबर की वायलेंट विद्या, मेरा मतलब है पीटू प्रियंका, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे। मैडम हम दोनों कॉलेज के हॉस्टल में रहते हैं, ये बॉयज हॉस्टल में रहता है और मैं गर्ल्स हॉस्टल में रहती हूँ, हम दोनों एक दूसरे को प्यार भी बहुत करते हैं, रोज रात की तरह कल रात को भी हम गार्डन में पढ़ाई के बहाने रोमांस कर रहे थे। इतने में हमने देखा कि कॉलेज के एक क्लासरूम में लाइट जल रही थी बुझ रही थी, जल रही थी बुझ रही थी, जल रही थी बुझ रही थी। और मैडम रात के 1:30 बजे उस खाली क्लासरूम में कौन है ये देखने के लिए हम दोनों वहां पहुंचे और हमने वहां छिप कर देखा। वेलकम वेलकम टू द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। द स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे हिंदी। दोबारा मेरी बातों पर हंसे तो खाल उधेड़ दूंगा। यहाँ तो कोई नहीं है, ये किसको पढ़ा रहा है? मालूम नहीं मैडम, वहाँ कोई नहीं था लेकिन वो टीचर पता नहीं किसको पढ़ा रहा था। तो बताओ बच्चों हिंदी साहित्य में 2 और 2 अगर 4 होते हैं तो 15 को 5 से भाग करो तो कितने आएंगे? कितने? नहीं मालूम। उमेश 24 बेंच पर खड़े हो जाओ। नालायक। और बेंच पे भी खड़ा कर रहा था। हम दोनों तो डर गए, हमें लगा वहां भूत है। हाँ मैडम उसकी आंखें। अब हम भूगोल पढ़ेंगे। भूगोल बहुत डरावनी थी। हमारे कॉलेज में किसी आत्मा का साया है, कोई भूत मेहमान बनकर हमारे कॉलेज में आया है। तो बच्चों हम कल रात इसी वक्त यही मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए हिंदी में गुड नाइट, इंग्लिश में शुभ रात्रि और फ्रेंच में शब्बा खैर। डॉलर महंगा हो गया। यो बात तुमने अपने प्रिंसिपल से ना बोली? बताया मैडम, लेकिन उस प्रिंसिपल ने कहा कि खबरदार अगर इस बात का जिक्र तुमने किसी और से किया। बताइए ना क्या, बस इतना ही? मतलब कॉलेज में ऐसी अजीब और गरीब हरकत हो रही है, उसके खिलाफ कुछ एक्शन लेना चाहिए। मतलब एक्शन लेने की जगह वो कह रही है बस किसी से कहना मत। वेल मॉम आई थॉटिंग हमें चाहिए उनको यहाँ बुलाना। इसका मेरी एक गर्लफ्रेंड का नाम था कुकी खुराना। इसका बुलवा जरा इनके प्रिंसिपल ने। उषा हेलो मैडम। साइलेंस। वेल व्हाट इज द नेम इज द कानपुर में लगा है तकड़ा जेम इज द। नमस्कार मैं हूँ उत्तरा डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल उषा कक्कड़। मक्खन पिघल गया। और आपकी तारीफ?
मैं हूँ एसी निगम, वो झूठी हैं। कौन झूठी है ये? मैं हूँ 18 डिग्री कॉलेज का प्रोफेसर, केमिस्ट्री का प्रोफेसर हूँ मैं। वो झूठी हैं। वही वो कह रहे हैं कि एक अटपटी सी घटना हो रही है कॉलेज में। रात के 1:30 बजे कोई एक प्रोफेसर हैं जो क्लास ले रहे हैं, और वो भी खाली क्लास। और जब इन्होंने इस अटपटी घटना का जिक्र आपसे किया तो आपने कहा नहीं नहीं बात दबा दो, रहन दो नाना, इसका जिक्र मत करो भाई। इज दैट ट्रू? यस मैम, मैंने ऐसा कहा इन लोगों से, क्योंकि ये बेसिर पैर की बातें हैं। सच तो ये है कि हमारे कॉलेज में कोई प्रोफेसर दिन में नहीं पढ़ाता, रात में क्या पढ़ाएगा खाक? क्यों निगम साहब? मतलब उषा डार्लिंग, मतलब उषा जी आपका मतलब क्या है? हम अपनी क्लास लेते हैं, वो झूठी हैं। कौन सर? हे जीनी जीनी वेल, इन दोनों का कहना है कि क्लास लेता है कोई भूतिस्दा, लेकिन कानून मांगता है सबूतिस्दा। अच्छा बहरहाल देखिए, मैं क्या कह रही हूँ कि केस तो इब चौकी में आ गया है, और चौकी में एक बार कोई केस आ जाए तो हमें तो एक्शन लेना पड़ेगा, वरना लोग कहेंगे भैया पुलिस निठल्ली है। तो देखिए, हम जो है सोच रहे हैं कि रात को 1:30 बजे एक चक्कर खुद ही लगा लें, देख ले जरा क्या चल रहा है, भैया कौन ले रहा क्लास, हम भी पढ़िया है। देखिए मैडम, मैं हूँ एसी निगम, केमिस्ट्री का प्रोफेसर हूँ 18 डिग्री कॉलेज में, और केमिस्ट्री मतलब कि साइंस, और साइंस में ये भूत प्रेत प्रेतात्मा चुड़ैल, इन बातों पे साइंस विश्वास नहीं करता। करेक्ट प्रोफेसर साहब, एकदम करेक्ट। हाँ तो भूत वूत नहीं होते प्रोफेसर साहब, हम ये सब बातों में विश्वास नहीं करते, आपको भी नहीं करना चाहिए, किसी भी नहीं करना चाहिए। वैसे हम हैं यहाँ के चीफ इंस्पेक्टर बजरंग पांडे, और आई एग्री विथ यू, भूत वूत नहीं होते। Oh, yeah, yeah. क्या बात है सर? सर अगर ऐसी बात है तो सर ये 18 डिग्री कॉलेज में आज रात आप ही चले जाइए ना, उस टीचर का एक लेक्चर अटेंड कर लीजिए रात को 1:30 बजे। क्यों बे? हाँ सर, ही इज नॉट रॉन्ग, आप चले आइए, आप जरा देख ही आइए ना सर क्या चल रहा है यहाँ, जरा कॉलेज वॉलेज में हरकत है। हम क्यों जाए मिस्टर टाला? हम सर आप डर तो नहीं गए सर? हम डरते नहीं है समझे, हम डरते नहीं मैं छोड़ा ला, भूत वूत से क्या डरना, भूत तो हमारे दोस्त है ना, मतलब भूत होते ही नहीं क्या दोस्त, क्या जब आ जाएंगे हम 1:30 बजे अतर्रा कॉलेज आ जाएंगे, उसमें क्या है? Yes! हम डरे नहीं, हम एक्चुअली ऐसे आई डोंट लाइक दिस सॉन्ग, अदरवाइज भूत वूत क्या है, भूत होते कोई नहीं सर, भूत कैसी रिलेशनशिप है इन दोनों? अच्छा चलिए, थैंक यू जी, आप आई, थैंक यू, आओ सर डार्लिंग। यू यू सर में है तो बोल दीजिए, इसको छोड़ के जा, इस शाहरुख खान से जरा बात करेंगे हम, जा। कॉलेज जाना शुरू ना करते, मजनू पहले बन जावे। कभी हम दिन में क्लासरूम में नहीं बैठे, रात को बैठ रहे अजीब सा लग रहा है। रात हमारी खराब कर दी इन लोगों ने, सच में यार क्या भूत भूत, और भूत भूत से डरते थोड़ी ना हम, आ जा भूत हमारे सामने, अरे भूत अगर हमारे सामने आ गए ना तो उनकी आंखों में आंखें डाल के देखेंगे और बोलेंगे भूत आई एम नो स्केर्ड ऑफ यू। हेलो, कौन है? मजाक बंद कर, एक्सक्यूज मी चीफ इंस्पेक्टर बजरंग पांडे इमान चौकी। हेलो, हाँ
गुड इवनिंग, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, बैठ जाओ। रीटा आई लाइक इट, तुमने अपने सारे बाल कटवा दिए। संदीप, खबरदार जो उमेश को और तंग किया तो। और तुम शायद नए स्टूडेंट हो। जी 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 जी, जी हम नए हैं, यहाँ पर नए हैं। बदतमीज कहीं के, देखा नहीं तुमने जब मैं अंदर आया तो सारे स्टूडेंट्स हमें देखकर खड़े हो जाते और गुड इवनिंग विश करते हैं किताब खोल के। और तुम मुझे देखने के बावजूद अपनी सीट पर बैठे रहे किताब खोल के। हाँ स्टूडेंट्स कहाँ हैं यहाँ पर, हम अकेले ही फंसे हुए यहाँ पर। तो ठीक है, आप कहते तो हम खड़े हो जाते और कहते भी है सर, गुड इवनिंग सर। सिर्फ गुड इवनिंग सर से काम नहीं चलेगा, चलो बकरा बनो। बकरा? बकरा क्या होता है? मुर्गा बनो, मुर्गा, मुर्गा। सर हम जा सकते हैं? तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे इतिहास। स्टॉप, यू न्यू स्टूडेंट, यू आर ब्रेकिंग माई कॉन्सेंट्रेशन, डोंट मूव वरना फैन से लटका दूंगा। डर गए हैं, बहुत ही बुरी तरीके से डर गए हैं। डिस्पेंसरी ओपन है। वो तो मन ने भी दिख है कि डर गए हैं। इलाज करिए इनका, सही करिए इन्हें। मैडम इसका कोई इलाज नहीं है, दरअसल ऐसी सिचुएशन में कोई इलाज है ही नहीं। जहां तक मैं आपको बता रहा हूं कि एक बार मैं भी भूत को देख के डर गया था, और तब का दिन है कि आज का दिन है, मैं पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाया हूं। डिस्पेंसरी ओपन है। हाँ लेकिन आप तो ठीक ही दिख रहे हैं। मैं? आपको दिख रहा है कि मैं ठीक हूं, लेकिन मैं ठीक नहीं हूं। मेरे साथ देखिए, मैं बता रहा हूं आपको कि होता क्या है कि मुझे बुरी तरीके से कभी कभी दौरे पड़ जाते हैं। और जब ये दौरे पड़ते हैं तो मेरे साथ होता क्या है कि मैं चीखने लगता हूँ और चीख चीख के बाहर निकल जाता हूँ। डिस्पेंसरी ओपन है। अबे किसने लाया डॉक्टर ऐसा हमारे लिए, तुम दोनों दुश्मन हो हमारे। ओह माय गॉड, लगता है उनको पड़ गया है दौरा इसदा, सर बन के बेकार में मोहरा इसदा। मिस्टर डॉले भूत ने हमारी बड़ी क्लास ली यार, बड़ी क्लास की उसने हमारी। वो हमें पंखे पर लटकाएगा, हम कह रहे हैं आपको वो भूत हमें छोड़ेगा नहीं। सर आप कैसी बेकार की बात कर रहे हैं सर, बच्चों वाली है, पढ़े लिखे आदमी हो गए ऐसी अंधविश्वास की बात तो बेयकीन कर रहे हैं, भूत वगैरह। देखा मैडम, देखा मैंने कहा था ना वहाँ भूत है, लेकिन आप लोग तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे। बताइए ना। हाँ मैडम, इस बेचारे की हालत देखकर पता चल रहा है कि किस तरह से रात के 1:30 बजे इसने उस टीचर से क्लासेस ली होंगी। डॉलर महंगा हो गया है ना उषा निगम मैम। उषा कक्कड़, माइंड इट।
प्रिंसिपल साहब, आप तो आपको यकीन हो गया कि आपके कॉलेज में रात को 1:30 बजे एक भटकता हुआ भूत क्लास लेता है? या जो था बहुत डरावना इज्जा, मेरी एक गर्लफ्रेंड का नाम था भावना इज्जा। पिटने की अथारी संभावना इज्जा। यार चुप हो जा, मैं उम्र का लिहाज करके छोड़ देती हूँ तने हर वक्त। कैरी ऑन। अरे ऐसा है सर जी, चाहे जो भी कहें और तुम लोग भी चाहे जो कहो कि भूत है या जो भी, महारा दिल यकीन कोई ना करता। मैं कल तुम्हारे कॉलेज राउंड लगाने आऊंगी। देखिए वो भूत है या जिन, ये बात है एकदम भिन्न, लेकिन ये बात कॉलेज से लीक आउट नहीं होनी चाहिए। और एक और रिक्वेस्ट है आपसे मैम, कि अगर आप कॉलेज आ ही रही हैं तो कॉलेज रात के अंधेरे में आइएगा, दिन के उजाले में नहीं। मक्खन पिघल गया। आपके कहने का क्या मतलब है? अगर हमारी मैडम वहां पर दिन में आएंगी तो क्या हमारी मैडम की शक्ल इतनी भयानक है कि आपके स्टूडेंट्स ने देख के डर जाएंगे? अरे मैडम आप भी ना एक नंबर से बोली है ये। देखिए मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैम रात के अंधेरे में नहीं आएंगी, दिन के उजाले में आएंगी, तो हमारे कॉलेज का नाम खराब हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैम रात के अंधेरे में नहीं आएंगी, दिन के उजाले में आएंगी, तो हमारे कॉलेज का नाम खराब हो जाएगा। हाँ मक्खन पिघल गया, क्यों डॉक्टर निगम? राइट मैडम उषा डार्लिंग। अरे उषा जी बिल्कुल सही कह रही है कि अगर दिन के टाइम में कॉलेज में पुलिस वाले आए तो कॉलेज की बदनामी होती है। अरे यार एक मिनट तो करना के है, तुम तो कर नहीं रहे हो कुछ कॉलेज अथॉरिटीज बारे में, हम भी ना करें कुछ पुलिस होते हुए। तो काम कीजिए मैडम, आप रात को कॉलेज में आइए, उसी क्लासरूम में जाइए और वहीं पे जो प्रोफेसर साहब लेक्चर लेने आए तब आप उसे अरेस्ट कर लीजिए। अबे भूतों को अरेस्ट करता है या कोई? भूत को अरेस्ट कैसे करेंगी वो? हाँ हम आने नहीं देंगे उन्हें, हम केयर करते मिस्टर, आप नहीं जाएंगे, हम कह रहे आप सब नहीं जाएंगे। या जो भी करता है भूत को अरेस्ट इज द, भूत उसे हमेशा के लिए करा देता है अरेस्ट इज द। हाँ मैडम आप प्लीज मैडम ये रिस्क मत लीजिए, आप वहाँ कहाँ जाना चाहती हैं? अब सर कह रहे हैं वहाँ पर भूत है, सर ने अपनी आंखों से देखा है, तो सर की बात का विश्वास कीजिए ना। करेक्ट, सर की बात से ज्यादा मन ने अपनी ड्यूटी अपने फर्ज पे यकीन है और निभाना है मैंने अपना फर्ज। आज रात 1:30 बजे मैं आऊंगी तुम्हारे कॉलेज। ओके मैम, then welcome to Atarra degree college. Atarra degree college. Oh.
नमस्कार, आपने बुलवाया मैम? भूत है जी, वो जो भूत पढ़ा रहा था ना क्लास, वो पकड़ लिया हमने। मिलना चाहेंगे उससे? डोंट वरी उषा डार्लिंग, उषा जी चिंता ना कीजिए, बुलवाओ। ये देखिए, मिलिए। वल्लाह शी इज भूत इज द। आलोक जी, आप आपसे मुझे इस तरह की उम्मीद नहीं थी, मक्खन पिघल गया। बोलिए, ये चुप क्यों खड़े हो, क्यों कर आए हो सब? वल्लाह ओपन योर माउथ इज द नॉर्थ ईस्ट बेस्ट एंड साउथ इज द। मैं आप सबको बता रहा हूं कि मैं बेकसूर हूं। दरअसल मैडम, मुझे रात को नींद में चलने की बीमारी है और मैं उसी कॉलेज कैंपस में ही तो रहता हूँ। अच्छा, तो रात को 1:30 बजे आप नींद में चल रहे थे? हाँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। अब के सच है और के झूठ है वो अभी पता लग जाएगा। वो बालक आ रहे हैं जो कॉलेज में पढ़ते हैं ना, जिन्होंने देखा है तुम्हें रात को 1:30 बजे क्लास लेते हुए खाली वाली। कहाँ है? आइए आइए, हम आ गए मैडम। आओ आओ। डॉलर महंगा हो गया। उषा, ए हाँ सही है, बढ़िया है। इसको देखो, इन्हें पहचानते हो तुम? हेलो सर। जी मैडम, ये हमारे आलोक सर हैं, मैथ्स के टीचर। इनका पढ़ाया हुआ कुछ समझ में नहीं आता है। बताइए ना। ये भाई है ना जो रात को 1:30 बजे क्लास ले रहे हैं भूत बन के? नहीं मैडम, ये तो दिन में 1:30 बजे क्लास लेते हैं। वो भी मैथ्स की। डॉलर महंगा हो गया है ना उषा निगम मैडम? उषा कक्कड़, माइंड इट। एक मिनट, मैडम इसने तो देखा है और अगर ये कह रहा है कि ये वो नहीं है, मतलब ये वो नहीं है। अरे ये वो ना आया तो फिर वो कौन है, और आया क्यों ना कल क्लास लेने? कहीं उसे पता तो ना लग गया कि मैं आने वाली हूँ, और पता लग गया तो कैसे? किसने बताया? कैसी बातें कर रही हैं मैडम आप? भूतों को कभी किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें तो खुद ब खुद पता चल जाता है कि डॉलर महंगा हो गया। एक मिनट मैडम, मैं बताता हूँ वो क्यों नहीं आया होगा। मैडम मैडम कल कॉलेज की छुट्टी थी, कल संडे था मैडम, संडे था, क्यों आएगा? वेल मॉम, बनवा लेते हैं हम उस टीचर का स्केच इज द, आई लाइक सहवाग का मैच इज द। अपनी 130 साल की नौकरी में इसने जस्ट बिफोर किकिंग द बकेट एक पहला सही आइडिया दिया है। बुलाओ किसी बढ़िया स्केच आर्टिस्ट ने और उसके सामने बिठाओ इन बालकों ने और सर जी ने भी, उन्होंने भी तो देखा है। घबराए नहीं, घबराए नहीं, मेरा नाम है स्केच सक्सेना। मैंने जितने भी लोगों के स्केच बनाए हैं वो हिट हो गए हैं। आई एम लकी। चलो अच्छी बात है यार, बड़े बड़े लोगों का स्केच बनाया आपने, लेकिन इस बात की हम गारंटी देते हैं जिसका आज आप स्केच बनाने वाले हो उसका स्केच आपने कभी नहीं बनाया होगा। कौन है वो बदनसीब? आई मीन उसे खुश नसीब, आई एम लकी। वो भूत है, डॉलर महंगा हो गया। ये तो बेहोश हो गया, इस पे पानी डालो, बताइए ना। Well, मैं डालता हूँ पानी इसदा, मेरी एक गर्लफ्रेंड का नाम था रानी इसदा। अबे ऐसे कैसे बेहोश हो गया भाई, आँख खुला है इसका, मर गया लगता है। मर जो ऊपर की टांकी है ना पूरी खाली करूंगा मैं तुम पर, याद रखना गोपी। सॉरी। ठीक है, आप लोग अपना डिस्क्रिप्शन दीजिए और मैं कोशिश करता हूँ। आई एम लकी। बताइए सर, बताइए बताइए। अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है तो उसकी आंखें है ना बिल्कुल उसकी तरह है, ये गोपी की तरह।
ये देखिए, हल्की सी घबराहट होती है बस, डर तो नहीं होता। तो डर के भाग गए, मतलब ये भूत की शक्ल सही बनी है। जरा इनको भी दिखाओ, इनको जी, ये वही है, डॉलर महंगा हो गया। यो है भूत का स्केच। जी मैडम, मैंने और भोला ने इनको ही रात को 1:30 बजे खाली क्लासरूम में देखा था, बताइए ना। हाँ मैडम, यही है वो जो हमारे कॉलेज के उस खाली क्लासरूम में क्लासेस लेते हैं। डॉलर महंगा हो गया। उषा निगम जी है? अरे अपना के नाम है यार, ठक्कर कक्कड़, उषा कक्कड़ जी। आप देखिए जरा इस स्केच को और जरा बताइए, आपके कॉलेज में इस शक्ल का कोई टीचर प्रोफेसर वगैरह है कोई? इस शक्ल सूरत का कोई टीचर हमारे अतर्रा कॉलेज में नहीं है। मक्खन पिघल गया। अरे जरा गौर से देखिए, ठीक से देखिए, जरा होगा कोई, देखिए ना। मैंने कह दिया ना एक बार कि इस शक्ल सूरत का कोई टीचर हमारे अतर्रा कॉलेज में नहीं है, मतलब नहीं है। मेरी नजरें धोखा नहीं खा सकती। एक एक टीचर को मैंने घूर घूर के देखा है, एक एक टीचर की शक्ल सूरत मैंने अपनी नजरों में बसा रखी है। मक्खन पिघल गया। उषा डार्लिंग, तुम उषा जी आप ये क्या कह रही हैं? हाँ वो झूठी है। कौन सर? ठीक है, आप एक काम कीजिए, ये भूत का चित्र मुझे भी दिखाइए, शायद मैं कुछ कह सकूं। हाँ निगम साहब, आप जरा देखिए, आप तो काफी सालों से पढ़ा रहे हैं ना डिग्री कॉलेज में, देखिए हो सकता है आप जानते हो कोई 2-3 साल पहले का हो। Yes! आप सॉरी, बिना चश्मों के मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा, मैं जरा साफ कर लेता हूँ। Well, इस पे करना गौर इज़दा, क्या ये है तुम्हारे कॉलेज का टीचर या कोई और इज़दा? My pleasure. घनश्याम मास्टर। घनश्याम मास्टर? हाँ मैडम, मुझे बराबर याद आ रहा है कि आज से 30 साल पहले जब मैं नया नया अतर्रा डिग्री कॉलेज में अपॉइंट हुआ था, तब वे वहीं पे टीचर थे और लोग इन्हें घनश्याम मास्टर कहके पुकारते थे। वो झूठी हैं। कौन सर? ये जो घनश्याम मास्टर है, 30 साल पहले इनकी उम्र क्या होगी? ये हाँ, ये तो रिटायर होने वाले थे, राइट? मुझे बराबर याद है, इनकी रिटायरमेंट की पार्टी थी और मैंने सूत सूत के माने पेल पेल के खाना खाया था और 3 दिन तक मेरे पेट में दर्द रहा था। वो झूठी है उषा। एक मिनट, इसका मतलब है आज से 30 साल पहले घनश्याम मास्टर रिटायर हो चुके? रिटायर तो हाँ, मुझे तो इतना भी याद है कि रिटायर होने के कुछ साल बाद ही ये दुनिया से भी रिटायर्ड हो गए थे। वो झूठी है। ओह माय गॉड, इसका मतलब ये है इनका भूत इज़्दा, अब तो मिल गया सबूत इज़्दा। एक मिनट दादाजी, मुझे एक बात और याद आई कि हाँ, ये उसी क्लास में पढ़ाते थे जिस क्लास में इन लोगों ने इन्हें देखा था। वो झूठी है। एक मिनट, ये कैसी बकवास चल रही है यहाँ पर, ये नई कहानी बन गई है कि एक आदमी जो 30 साल पहले रिटायर हो चुका है, जो 25 साल पहले मर चुका है, वो आ गया वापस भूत बन के क्लास ले रहा है। बंडल बात है यो। पर मैडम, क्लास तो यही ले रहे थे, बताइए ना। हाँ मैडम, यही है वो जिसे हमने खाली क्लासरूम में अदृश्य बच्चों की संटी से सुताई करते हुए देखा था। डॉलर
महंगा हो गया। अरे यार, अच्छा एक मिनट, मेन पॉइंट यो है कि एक आदमी जो 25 साल पहले मर चुका है अब सडनली क्यों प्रकट हो जाएगा, सडनली क्यों दिखेगा? ये रिटायर होने से पहले जो है रहते कहाँ थे और बाद में कहाँ गए रिटायर होके? ये हाँ, ये बिलासपुर के रहने वाले थे, रिटायरमेंट के बाद वहीं पे गए होंगे। बिलासपुर। गोपी गुलगुले। हाँ जी जी मम्मी जी। तुम एक काम करो, तुम दोनों और सरजी तीनों ये इनके डिग्री कॉलेज में जाओ स्टूडेंट बन के। ये बुढ़ऊ तो लगेगा नहीं स्टूडेंट, इसको कुछ बनाओ, टीचर वीचर या चपरासी वगैरह बना दो इसे है? और वहां जाके देखो कि अंदर कोई गड़बड़ तो ना हो जाए। और यहाँ जितने व्यक्तिगण खड़े हैं, मैडम सर और बालक दोनों, कॉलेज में किसी को भी कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि यो तीनों पुलिस वाले हैं। ओके क्लियर? ओके। विलासपुर। अरे कहाँ जा रही है छोरी? विक्की, मेरे रास्ते से हट जाओ समझे? अरे आना, तुझे फिल्म दिखा के लाता हूँ रजनीकांत की। ये उषा जी। हाँ तो प्रोफेसर भल्ला, हमारे कॉलेज के और प्रोफेसर से मिलके आपको कैसा लगा? बहुत मजा आया सबसे मिलके, लेकिन इनसे मिलके मुझे बहुत मजा आया क्योंकि ये तो ये हमारे कॉलेज के सबके फेवरेट है, ये हमारे स्पोर्ट्स टीचर है। तुम जैसे गुंडे लड़के के साथ तो मैं बिल्कुल फिल्म नहीं जाऊंगी, बताइए ना। ये तो तेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ रहा है ना? अरे बावली, यो अतरा डिग्री कॉलेज है और मैं यहाँ का प्रेसिडेंट, यहाँ पे वो ही होता है जो मैं चाहता हूँ। ओह माय गॉड। भैया जब लड़की हटने को कह रही है तो रास्ते से हट जाओ, क्या प्रॉब्लम है? अबे अब तो सर आ गए हैं, अब कोई टेंशन नहीं, अब तू देख। अब चिंता मत करो जी, अपना आदमी आ गया। अपना मतलब जी, अब कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक हो जाएगा सब। अरे भाई तू कौन है? शक्ल से तो बिल्कुल नया लग रहा है कॉलेज में। अरे मुझे नहीं जानता? नहीं जानता। अरे भाई मैं प्रेसिडेंट हूँ इस कॉलेज का। अरे हल्के में ले रहा छोरी, बताइए से। ये गुंडा एक नंबर का है। प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट बताओ यार। प्रेसिडेंट। बेइज्जती कर रही है। प्रेसिडेंट भैया। अरे भाई नाप ले रहे हो कपड़े सिलेगा के? बिल्कुल सिएंगे नहीं धोएंगे। एक मिनट जरा ये पकड़िए। ओके अबे हो गया, रुक जा बे। थैंक यू। अरे भाई तूने तो मार मार के हल्का कर दिया, तेरे पैर के नीचे केले का छिलका नहीं रखा ना, तो मेरा नाम भी है ना प्रेसिडेंट नहीं। किताब दे बे, चोर निकल। चलिए अब टेंशन की कोई बात नहीं है। प्रोफेसर भल्ला आइए, मैं आपको क्वार्टर दिखा दूं। क्वार्टर दिखाना क्या जी, टाइम तो हो ही गया बस अभी ही। अरे उषा डार्लिंग, उषा जी आपके रहने वाले क्वार्टर की बात कर रही है, वो झूठी है। चलिए चलिए। थैंक यू स्टूडेंट जी। सिंपल, तुम तो मुझसे बात ही मत करो, जब विक्की मुझे छेड़ रहा था तब तुम कहाँ थे? मैं हॉकी लेने गया था। काय हॉकी? डॉलर महंगा हो गया ना। तुम झूठे हो एक नंबर के। डिंपल सिंपल। सर इस कॉलेज में सर ये विकी काफी गड़बड़ टाइप का आदमी मालूम होता है सर। ये ना ये पूरा गड़बड़ है, हमें भी लगता है। एक काम करो, तुम उसका पीछा करो और हम मिस्टर लाल को इन्फॉर्म करते कि यार सब हो क्या रहा है कॉलेज में। ओके सर, डन। और संभल के पीछा करना, वो उसने हमें धमकी दिया है कि छिलका विलका रख के गिराएगा। संभल के चलना। अरे ताऊ, ये मास्टर घनश्याम को जानते हो तुम? मास्टर घनश्याम? अबे ओ काय को इतना जो है सस्पेंस रिएक्शन, घर पता है उनका? हाँ पता है ना, यही तो पास है मैडम। तो इतना काय को थ्रिलर जो है एक्सप्रेशन दे रहा है तू? मैडम कल फिल्म देखी थी ना, दिल वाले चुड़ैल ले जाएंगे। चल चल निकल। निर्मला,
मैं इस कॉलेज में आया ना तो मुझे इस कॉलेज में कुछ भी अच्छा नहीं लगा। मतलब क्या कॉलेज है, कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर सिर्फ एक चीज अच्छी है और वो तुम हो। वैसे आप भी ना मुझे बहुत अच्छे लगे। सच? पता, मैं ना आपके साथ बहुत सेफ फील करती हूँ। अरे ऑफ कोर्स वो तो करोगी, मैं हूँ ही इतना स्ट्रॉन्ग। देखो तो ठीक है चतुर्वेदी जी, कैंटीन में मिलेंगे है जी, फिर शाम को है जी, चलो हाँ चलो बस। हाँ क्या भल्ला, एक बात कहूँ आपसे? प्लीज। मुझे आपको देखकर बहुत खुशी हुई, नहीं तो वही के वही पुराने चेहरे देखकर ना मैं बोर हो चुकी थी। थैंक्स। ऐसे फ्रेश चेहरे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हाय हाय। अच्छा सुनिए ना, चलिए मिठाई की दुकान पर चलते हैं लड्डू लाने। ओहो, तुम्हें मिठाई इतनी पसंद है? नहीं नहीं, वो क्या है ना, तुम्हें राखी बांधने के बाद मुंह तो मीठा कराना पड़ेगा ना, तो चले। वो आज थोड़ी ना मिठाई की दुकान खुली होगी, आज बंद रहती है। तुम कभी कभी और खरीदेंगे। बाय 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 बाय। मिठाई की दुकान है भाई। मिस्टर भल्ला, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? और यू आर स्टेइंग इन दिस कंपाउंड ओनली, कॉलेज कंपाउंड? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। मिस्टर भल्ला, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। देखिए, मैं औरतों से ज्यादा बात नहीं करता हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ। फूल, इडियट, कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ जाता है, गेट आउट। Yeah, mom. Just coming. Yeah. अच्छा, क्यों भाई? मारे इमरान और हासमी के डर्टी पिक्चर मचा रखी हैं तुम दोनों ने कॉलेज में। माफी मैडम, माफी माफी। वो सुबह मक्खन खा लिया था ना मैडम, इसलिए जरा पैर फिसल गए। Yeah, mom. I am also sorry. Is the truck, car, and lorry is the. अभी जिस काम के लिए भेजा है यहाँ कॉलेज में, वो करा या सिर्फ लपाड़पंती चल रही है? अरे मैडम, आप भी ना एक नंबर की भोली है। अरे मैडम, आपने जो इन्फॉर्मेशन सर को दी, वो इन्फॉर्मेशन सर ने हमें दे दी। अब मैडम उसके बाद अब और क्या पता करना है? केस तो सॉल्व हो गया ना? केस सॉल्व नहीं हुआ है। केस का सबसे अहम पहलू अभी बाकी से। अरे सिंपल यार, ये भूत भूत कुछ नहीं होते, भूत क्या होते हैं? और अगर होते भी है तो मैं नहीं डरता हूँ भूतों से। भूत भूत की शक्ल वाले लोगों से रोज पाला पड़ता है मेरा। एक्सक्यूज मी, कुछ नहीं होता, डरना नहीं। अरे मैं हूं ना साथ में, मैं हूं ना। काम का भूत।